हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे फैक्ट्स अबाउट राजस्थान। राजस्थान के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ इन्हें एक्सप्लेन मैनर मिलेगी, और ऐसा नहीं है कि आपको बस रटाया जाएगा। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपको हर एक चीज़ में पिक्चर के माध्यम से, मतलब इमेज के माध्यम से आपको समझाता रहूँगा, जैसे हमारी प्रीवियस वीडियो रहती है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये काइंड रिक्वेस्ट मानिए, सजेशन मानिए, बट मैं ये हमेशा आपसे कहता हूँ कि लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ताकि मैं जो चीज़ें आपके पास पहुँचाना चाह रहा हूँ वो चीज़ें आप तक पहुँच सकें, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इसके पहले मतलब राजस्थान के पहले हम लोग हर एक स्टेट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी यूपी एज वेल एज एमपी ये दोनों ऑलरेडी कर लिया है। अगर आप इनकी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। इसी के डिस्क्रिप्शन के नीचे आप वहां से देख लीजिएगा। बाकी अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए एमपी का और यूपी का, इनका अगर जो पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी सारी पीडीएफ प्रेजेंट रहती हैं। जितना मैं पढ़ाता हूँ या जितनी भी टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ रहती हैं वो सब टेलीग्राम ग्रुप में प्रेजेंट हैं। तो आप क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ भी मैं वहीं पर डाल दूंगा, ठीक है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं राजस्थान के बारे में। और राजस्थान ही नहीं, हम साथ साथ यूपी और एमपी भी लेकर चलेंगे, तो ध्यान से वीडियो को पूरी देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है ना, और बोर आप एकदम नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो राजस्थान की अगर जो बात करें तो राजस्थान को देख लीजिए, जो अपना इंडिया का मैप है उसमें राजस्थान की जो पोजीशन है रेड कलर की है, ये रहा राजस्थान, ठीक है ना। अब राजस्थान का ये तो हो गया इंडिया में राजस्थान की पोजीशन, अब हम लोग क्या देखेंगे, राजस्थान का स्पेशल मैप देखेंगे, है ना, कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है या नहीं, सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए मैप में मैंने आपको दिखा दिया, अब जो राजस्थान है ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो इधर क्या होता है, इधर पूरा पाकिस्तान है ना, इधर पूरा पाकिस्तान है, तो उस हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए सर्कल में, अच्छे से सारी चीज़ें एक एक आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। ये क्या है, पाकिस्तान, ठीक है ना, मतलब इंटरनेशनल अगर जो बाउंड्री की बात किया जाए तो राजस्थान इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना। अच्छा, तो राजस्थान पाकिस्तान के साथ क्या करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। अच्छा, अब बात की जाए भारत के किन किन राज्यों के साथ शेयर करता है, तो एक देखिए पंजाब हो गया, फिर क्या हो गया हरियाणा हो गया, फिर क्या हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया और गुजरात हो गया, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 राज्यों से क्या करता है, सीमा शेयर करता है, मतलब बाउंड्री शेयर करता है। अच्छा, साथ साथ लगे हाथ बता दीजिए, आपका यूपी कितने से करता था, यूपी कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता था, तो बताइए। और अगर जो एमपी की अगर जो बात करें तो एमपी समझ लेते हैं, एमपी और राजस्थान ये दोनों, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना, ये बात को भूलिएगा नहीं। एमपी और राजस्थान ये दोनों 5 राज्यों के साथ क्या करते हैं, सीमा को साझा करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर जो यूपी की बात किया जाए, अभी जस्ट मैंने कहा था आपसे, तो यूपी जो है वो 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो एक बार फिर से रिवाइज करा दीजिए पूरा, राजस्थान कितने के साथ, 5 के साथ, और मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ, 5 के साथ, और यूपी कितने के साथ, 9। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, बाकी मैप के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, एक तो ये पंजाब हो गया, एक हरियाणा हो गया, एक उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और गुजरात हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अब जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, राजधानी क्या है इसकी, सारी बातें करेंगे। तो देखिए अगर राजधानी की बात करी जाए तो राजधानी क्या है, जयपुर। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप क्या करिए, यूट्यूब में स्पीड इंक्रीज करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पे 1.5, 1.75 एंड 2x ऐसे करके स्पीड होगी, तो आप स्पीड को वहाँ से बढ़ा लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा स्लो ही बोलना पड़ेगा ताकि सबको समझ में आए। और सबसे बड़े शहर की बात किया जाए तो कौन सा सबसे बड़ा शहर है, तो वो है जयपुर ही है, ठीक है। अच्छा, जनसंख्या की अगर जो बात किया जाए, ये विकिपीडिया के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, हालाँकि सही है, 2011 की जनगणना के अनुसार ही है। तो जनसंख्या कितनी है तो बताइए, 685,48,437, ठीक है ना, इसी तरह याद करिए, या फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 6 करोड़
और 85,48,437, ऐसे भी आप याद करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। वैसे आप नंबर वाइज याद करिए ज़्यादा सही रहेगा, कैसे, 6854843 7, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और अगर घनत्व की बात करें, मतलब डेंसिटी की, तो डेंसिटी कितनी है, 200 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं, तो आप क्या कहोगे सर, 200 लोग रहते हैं, ठीक है ना, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक मामला। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ कि क्षेत्रफल के वाइज, ठीक है ना, क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू एरिया, राजस्थान इज नंबर वन स्टेट, है ना, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की अगर जो बात की जाए, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो आप क्या बताएंगे, राजस्थान का है, ठीक है ना। और सबसे कम किसका है, तो सबसे कम किसका मैंने आपको बताया था, ये मैं पहली वीडियो में आपको बता दिया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा क्षेत्रफल है कितना, तो 342239 किलोमीटर स्क्वायर है। टोटल डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए, तो कुल जिले कितने हैं, तो 33 जिले हैं, ठीक है। अच्छा और अगर जो राजभाषा की बात किया जाए, तो हिंदी है, कोई दिक्कत नहीं। गठन कब हुआ इसको, इसका, तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। और बातें की जाए, सरकार किसकी है, तो राजस्थान सरकार है। राज्यपाल कौन है इस समय, कलराज मिश्र जी हैं। और अगर जो मुख्यमंत्री की बात किया जाए, तो अशोक गहलोत हैं, जो कि कांग्रेस से हैं। और विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा की सीटों की संख्या बता दीजिए कितनी है, 200 है। और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 10 है। और लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 25। इसको बस ऐसे दिमाग में बैठाए रहिएगा, उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर जो आप एक बार दिमाग में बैठाए रहेंगे, तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी हो गई, जल्दी से बताइए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, 200। और राज्यसभा की 10, और लोकसभा की कितनी हो गई, 25 हो गई। क्लियर हो गया यहाँ तक मामला, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाई कोर्ट कहाँ है, तो हाई कोर्ट आपका कहाँ है, जोधपुर में है, ठीक है ना, जोधपुर आप लोगों ने नाम सुना होगा। अच्छा चलिए आगे की बात करते हैं। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, है ना, पहले मुख्यमंत्री, फर्स्ट सीएम ऑफ राजस्थान कौन था, तो हीरा लाल शास्त्री जी थे पहले मुख्यमंत्री राजस्थान के। और राजस्थान के पहले राज्यपाल की भी बात कर लें, तो राज्यपाल कौन थे, श्री सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी थे, ठीक है ना। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा यूपी की बता दीजिए, यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो बताइए कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत जी थे, ठीक है ना। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का लिंगानुपात, मतलब जो सेक्स रेशियो है, वो कितना है, तो वो है 926/1000, मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, 926 है। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर जो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इंदिरा गांधी कैनाल इरीगेट्स नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान, मतलब जो इंदिरा गांधी कैनाल आप लोगों ने नाम सुना होगा, मतलब इंदिरा गांधी जो नहर है, वो क्या करता है, वह इंदिरा गांधी नहर से नॉर्थ वेस्टर्न की सिंचाई होती है, जो राजस्थान का जो नॉर्थ वेस्ट है, मतलब उत्तर जो पश्चिम भाग है, उससे इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई होती है। और ये इंदिरा गांधी कैनाल जो है, ये इंडिया की सबसे लंबी नहर है, ये दिमाग में बैठा रहिएगा, इंडिया की सबसे लंबी नहर कौन है, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, तो उत्तर पश्चिम राजस्थान की क्या होती है, सिंचाई वगैरह होती है। आई थिंक यहाँ तो मामला क्लियर होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय पशु की अगर जो बात की, तो राजकीय पशु आपका क्या है, ऊँट एवं चिंकारा है। तो देख लीजिए, आप ऊँट से परिचित होंगे, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो ऊँट जो है, वो राजस्थान का क्या है, राजकीय पशु, और चिंकारा भी है। चिंकारा आप लोग देखना चाहें तो नेट पर देख लीजिएगा, मैं इमेज डालना भूल गया, ठीक है ना। तो चिंकारा और क्या है, ऊँट, ये दोनों राजस्थान का क्या है, राजकीय पशु है। आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अच्छा साथ साथ बता दीजिए भाई, यूपी का राजकीय पशु क्या था, तो यूपी का राजकीय पशु और एमपी का राजकीय पशु, ये दोनों मैंने आपको क्या बताया था, सेम बताया था, वो क्या बताया था, बारहसिंगा, ठीक है ना, क्या बताया था, बारहसिंगा, आई थिंक याद हो गया, आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हमारा ये भी पेज है, फेसबुक पे जाइएगा, स्टडी विद डीजी सर्च करिए, उस पेज को लाइक कर लीजिएगा, तो आप, मैं उसमें पर डे कुछ फैक्ट डालता रहता हूँ, वो आप तक पहुँच जाएंगे। और अगर जो मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई सब्सक्राइब तो बनता ही है, अभी तक मैंने एक भी बार नहीं कहा, तो अब मैं कह रहा हूँ, आप कर लीजिएगा अगर नहीं किए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। राजकीय फूल या राजकीय नेशनल फ्लावर की अगर जो बात करें, तो क्या है, रोहिड़ा है, ठीक
ठीक है ना। और यूपी का क्या है तो पलास है, यूपी का क्या है पलास है। और अगर जो एमपी की बात किया जाए तो क्या था लिली था, क्या था लिली था। आई थिंक दोनों आपको याद आ गया होगा। और अगर जो राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान का क्या था रोहिड़ा, ठीक है ना, रोहिड़ा है था नहीं है, ठीक है। राजकीय पेड़ की अगर जो बात किया जाए तो बताइए भाई नेशनल ट्री क्या है, तो नेशनल ट्री है जो खेजड़ी, आप चित्र में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं, ये रहा खेजड़ी का वृक्ष जो कि आप देख रहे हैं कि ये मतलब इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ये रेगिस्तान वगैरह में भी अच्छे से बढ़ सकता है। तो खेजड़ी जो है वो राजस्थान का क्या है राजकीय पेड़ है। चलिए लगे हाथ यूपी और एमपी का बता दीजिए, तो यूपी की अगर जो बात की है तो क्या था अशोका था, ठीक है, अशोक का वृक्ष। और एमपी की अगर जो बात की जाए तो क्या था बरगद था, क्या था बरगद। आई थिंक यहाँ तक मामला क्लियर होगा। अच्छा ये खेजड़ी का जो साइंटिफिक नेम है ये काफ़ी पूछ लिया जाता है, तो ये क्या है प्रोसोपिस एंड सिनेरिया, ठीक है ना, प्रोसोपिस सिनेरिया जो है इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है ना। चलिए भाई अगर जो राजकीय पक्षी की अगर जो बात किया जाए तो राजकीय पक्षी क्या है ये किसका है राजस्थान का, राजस्थान का अगर जो राजकीय पक्षी की बात किया जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो कि राजस्थान का क्या है राजकीय पक्षी है। और यूपी का बता दीजिए, यूपी का क्या था आपका सारस था, ठीक है, राजकीय पक्षी। और एमपी का क्या था, एमपी का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना, कुछ कुछ आपका तो भी काम बनता है कि आप लोग कुछ कुछ अपने काम लेते रहिए, तो एमपी का राजकीय पक्षी आप लोग बताएंगे, ठीक है, कुछ मिल्क करके था, इतना मैं हिंट आपको दे दे रहा हूँ। चलिए अब कुछ कुछ पॉइंट्स जानते हैं हम लोग जो कि राजस्थान के पॉइंट से राजस्थान से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, दूधराज मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, अदरवाइज सोचेंगे कि सर क्या बताए थे, दूधराज है ना, दूधराज या फिर उसका शाह बुलबुल ऐसे करके नाम है, तो ये क्या है राजस्थान का क्या है राजकीय पक्षी है, ठीक है। चलिए आपका काम और आसान कर दिए, अब राजस्थान का इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स जानते हैं हम लोग जो कि जान के काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। पहला पॉइंट है, एकदम पेशेंस के साथ देखिए वीडियो, बहुत ही आपको मजा आने वाला है, देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, राजस्थान के लगभग हर शहर को रंगों के नाम से जाना जाता है, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अब जैसे जयपुर को गुलाबी शहर और उदयपुर को सफ़ेद और जोधपुर को नीला और झालावाड़ा की पहचान बैंगनी कलर से है, तो सोच लो भाई जयपुर को गुलाबी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी कलर के नाम से जाना जाता है, और उदयपुर को सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है जहाँ पे झीलें वगैरह काफ़ी हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और जोधपुर नीला हो गया और झालावाड़ा बैंगनी, ठीक है। आई थिंक आपको जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। आगे बात करते हैं, थार रेगिस्तान सबको पता है कि ये कहाँ पे है राजस्थान में, और ये भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट या फिर क्या है राजस्थान वो है रेगिस्तान है, तो थार रेगिस्तान जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि कहाँ पे है, ये है राजस्थान में, जो कि कहाँ पे मतलब एग्जैक्ट पोजीशन भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा भी बनाता है, मतलब अगर जो ये मान लीजिए क्या है रेगिस्तान है तो इधर पाकिस्तान है और इधर क्या है राजस्थान है, ठीक है ना। अच्छा आगे की बात करें तो राजस्थान लगभग 120000, ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 120000 वर्ग मील का है, ठीक है ना, इतना बड़ा है, सोच लीजिए 120000 वर्ग मील का है आपका क्या थार का रेगिस्तान, और जिसका 90% हिस्सा कहाँ है राजस्थान में, मतलब 10% केवल कहाँ पे है पाकिस्तान में, ठीक है ना। मैंने बताया कि ये साझा करता है एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ राजस्थान, जिसमें से इतना ये बड़ा है और 10% केवल कहाँ पे है पाकिस्तान में, बाकी अपना कहाँ पे है राजस्थान में। आई थिंक यहाँ तक मामला क्लियर हो गया होगा और आपके दिमाग में आ भी रहा होगा कि चलिए राजस्थान का वो थार का रेगिस्तान देख लें, तो ये रहा थार का रेगिस्तान, आप देख लीजिए और यहाँ पे टहल लीजिए जैसे सब टहल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जान के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये फैक्ट, भानगढ़ का किला, शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा इसका, या सुना होगा तो अच्छी बात है, या नहीं सुना तो आपसे जान लीजिए, भानगढ़ का किला जो कि दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है, ठीक है ना, यहाँ मूवी वगैरह की भी शूटिंग हुई है, तो भानगढ़ का किला जो है जो कि दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है, 17वीं शताब्दी में भारत के राजघरानों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, 17वीं शताब्दी में भारत के राजघरानों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था, ना कि है, ठीक है ना, लेकिन अब इसे दुनिया की सबसे भुतहा है ना डरावनी मतलब जगहों में से एक माना जाता है, यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से लोगों को रात में जाने
रात में इस किले में प्रवेश से मना कर दिया गया। सोच लो भाई, रात में आप भानगढ़ के किला में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और ये क्या है, सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। और ये है क्या, भानगढ़ का किला है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, काश मैं किला देख पाता तो आप जरूर देखेंगे क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये रहा भानगढ़ का किला, सच में अगर आप देखें तो आपका दिमाग ख़राब हो सकता है किले को देखकर। काफ़ी वैसी पिक में लगा दिया हूँ ताकि आप डर जाइए, है ना। हालांकि ये रात की है, आप लोग इमेज और देखना चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। बहरहाल आपसे ये जान लीजिए कि सबसे डरावनी जगहों में से एक है भानगढ़ का किला, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में। ओके भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे की अगर बात करें, इस प्रदेश में मतलब राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने पास राष्ट्रीय उद्यान है, 5 राष्ट्रीय उद्यान है, और जो कि हैं कौन कौन से, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, और दर्रा नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर नेशनल पार्क। ये रणथंभौर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जगह पूछा जाता है, तो रणथंभौर अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लीजिए, जो कि बहुत जगह पूछा जाता है। तो कौन कौन सा है देखिए, एक तो रणथंभौर और एक सरिस्का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेजर्ट आप वैसे भी याद कर सकते हैं, और दर्रा और सेंचुरी ये सब अपने दिमाग में बैठा रही है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में जैसलमेर एक शहर पोखरण का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जैसलमेर में, अभी एक मूवी आई थी जॉन अब्राहम की, तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा, ठीक है ना। तो उसमें दिखाया है अच्छे से कि हम लोगों ने एक परमाणु परीक्षण किया था हम लोग की कंट्री ने, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहरहाल काफ़ी अच्छी मूवी थी, जॉन अब्राहम की थी। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सी मूवी थी। तो ये पोखरण एक जगह है जो कि कहाँ पे है, जैसलमेर में है, और यहाँ हुआ क्या था, यह 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण, यहीं पर मतलब जो पोखरण जगह है जैसलमेर में, यहाँ पर 1974 में भारत का पहला परीक्षण किया गया था, और दूसरा 1998 में दूसरा परीक्षण किया गया था। तो मतलब परमाणु परीक्षण स्थल है क्या, पोखरण, ठीक है ना, और जो कि है कहाँ पे, जैसलमेर में, और जैसलमेर कहाँ है, तो राजस्थान में। इस वजह से ये चीज़ें क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, पोखरण में हुआ था, 1974 में हुआ था। आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में यूनेस्को द्वारा घोषित 8 विश्व धरोहर स्थल हैं, और वो हैं कौन कौन से, तो चलिए आपको याद करा देते हैं, अभी हम ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद कराएंगे, तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो कौन कौन सा है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, जंतर मंतर है, चित्तौड़गढ़ का किला है, और कुंभड़गढ़ का किला है, रणथंभौर का है, और अंबर फोर्ट है, जैसलमेर का किला है, गागरेन का किला है। तो एक ट्रिक याद कर लीजिए, और वो ट्रिक है क्या, देखिए इसमें 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 6 मैं आपको याद करा देता हूँ, चीकू, गाजर, और क्या है, आम, बस काम खत्म। तो देखिए कैसे याद होगा, फिर से मैं लिख दूं नीचे थोड़ा सा, चीकू, चलिए एक बार फिर से लिखते हैं, चीकू, गाजर, आम, कैसे याद होगा, आइए दिखाते हैं। ची से क्या हो जाएगा आपका, तो ची से हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है ना, और कू से क्या हो जाएगा, तो कुंभलगढ़ का किला, और गा से क्या हो जाएगा, गागरेन का किला हो जाएगा, और जा से क्या हो जाएगा, हर एक वर्ड का मतलब है, जैसलमेर का किला हो जाएगा, ठीक है, और रा से क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, रणथंभौर का किला हो जाएगा, और आ से क्या हो जाएगा, ये आमेर का किला है, अंबर नहीं होगा, क्या होगा, आमेर का किला है, ठीक है ना। इससे तो ये देखिए 6 आई थिंक याद हो गया होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और एक आमेर का हो जाएगा, आम से। तो 6 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप केवला भी याद कर सकते हैं, जंतर मंत्र भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने आपको याद करा दिया, कैसे याद कराया, चीकू, गाजर और आम, ठीक है ना, क्या याद किया, चीकू, गाजर और आम, ठीक है, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए एक चीज़ और जान के काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, वो है क्या, हमें चीन की दीवार के बारे में तो पता है, हम लोग जानते हैं, वी ऑल नो दैट अबाउट द वॉल ऑफ चाइना, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग को पता होता है, वो क्या है, राजस्थान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, ठीक है ना, वो है क्या, जो कि कुंभलगढ़ किले की एक दीवार है, ठीक है ना, कुंभलगढ़ के किला जो है वो एक दीवार से चारों तरफ से घिरा हुआ है, और जो कि दूसरा सबसे नंबर का क्या है, सबसे बड़ी दीवार है, और ये लगभग 36 किलोमीटर क्या है, लंबा है, ठीक है, ओके।
चलिए इम्पोर्टेंट डैम प्रमुख बांध की बात करते हैं, तो अभी आपको याद हो जाएगा बिसालपुर डैम, बिसालपुर है जो कि सॉरी बिसालपुर नहीं है बीसलपुर है, क्या है बीसलपुर, बीसलपुर डैम है। अभी इंग्लिश में लिखा है तो इस वजह से इसको बिसाल भी पढ़ सकता है, ठीक है कोई भी, लेकिन ये है क्या बीसलपुर डैम है, क्या है बीसलपुर, बीसलपुर डैम है जो कि है कहाँ बनास रिवर पे है। अच्छा राणा प्रताप सागर डैम है जो कि कहाँ है चंबल रिवर पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुत जगह पूछा जाता है। और जवाई डैम कहाँ है जवाई रिवर, तो जवाई डैम जवाई रिवर और राणा प्रताप चंबल पे याद कर लीजिए। और ये बीसलपुर कैसे याद कर लीजिए, जो अभी मैंने गलत बोला उसी से याद करिए, बीसल से क्या याद करिए बिसाल, और बिसाल आपका एक फ्रेंड है जो कि कहाँ पर रहता है राजस्थान में रहता है, काम खत्म, ठीक है ना, ऐसे करके दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए भाई आगे की बात करते हैं, प्रमुख लेक, मतलब राजस्थान में तो बहुत लेक हैं, काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है, जाने लायक है उदयपुर, ठीक है ना, तो जानते हैं प्रमुख झीलें हैं, तो ये है फतेह सागर लेक जो कि कहाँ पे है उदयपुर में है, ठीक है ना, तो ये लेक आप देख सकते हैं यहीं से आप घूम लीजिए, वैसे भी आप इस समय जा नहीं सकते क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आप यहीं से मैं आपको घुमा रहा हूँ, आप यहीं से घूम लीजिए, है ना, फतेह सागर लेक है जो कि कहाँ पे है उदयपुर में है, ठीक है, और ये लेक की एक फ़ोटो मैंने डाल दिया है। अगला क्या है अनासागर लेक जो कि कहाँ है अजमेर में है, लेक काफ़ी लेक हैं यहाँ, मतलब राजस्थान काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए क्योंकि लेक वगैरह बहुत ही, मतलब एक समझ लीजिए उनका जो व्यू आता है बहुत ही अच्छा आता है, इमेज से भी आप समझ सकते हैं। अनासागर ये रही आपकी अनासागर लेक, देख लीजिए ये भी, यहीं से देख लीजिए यहीं से घूम लीजिए, आगे मैं नहीं घुमाऊंगा, बस ऐसे नाम से याद कर लेते हैं। कैसे याद करेंगे आनंद सागर लेक जो कि कहाँ पे है बंसवारा में है, ठीक है ना, और सांभर लेक जो कि आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, सांभर लेक मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियो में करंट अफेयर में, सांभर लेक जयपुर में है, और कल्याण लेक कहाँ पे है जोधपुर में है, और नाकी लेक है वो कहाँ है माउंट आबू में है, और लेक पिछोला कहाँ पे है उदयपुर में है, ठीक है ना। चलिए तो ऐसे ही एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये सांभर चक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खारे पानी की जो कि एक झील है, तो ये अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा। और बाकी ऐसे भी याद कर लीजिए, सांभर लेक हो गया, आनंद सागर हो गया, और कल्याण लेक हो गया, नाकी लेक हो गया, और लेक छोला हो गया, ठीक है, कहाँ है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब GI टैग मिला है, जैसे हम लोग पिछली बार देखे थे GI टैग, ठीक है ना, तो GI टैग देखेंगे राजस्थान में, और राजस्थान में किस किस चीज़ को मिला है, तो ये मिला है ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर, जयपुर में एक स्पेशल पॉटरी बनता है और सुराही कह सकते हैं आप, तो उसे GI टैग मिला हुआ है, देख लीजिए काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, तो ये है ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर, इसको GI टैग मिल चुका है। और फुलकारी एक तरीके की कढ़ाई होती है राजस्थान में, और वो ये रही इस तरीके से आप देख सकते हैं, कुछ मुझे तो कुछ खास नहीं समझ में आ रहा है लेकिन अब जो जानते होंगे इसके बारे में उन्हें पता होगा, तो फुलकारी एक तरीके की कढ़ाई है जो कि राजस्थान में जिसे GI टैग मिला हुआ है, ठीक। चलिए और भी किसको मिला हुआ है, और बीकानेर भुजिया ये तो सब लोग खाए होंगे, ठीक है ना, नमकीन एक तरीके की, तो इसे भी GI टैग मिला है। और कठपुतली डांस ये आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, कठपुतली डांस तो इसे भी GI टैग मिला हुआ है, वहाँ का जो कठपुतली डांस है उसे GI टैग मिला हुआ है, कहाँ का, तो राजस्थान का। और मुलेला क्ले वर्क, मुलेला क्ले है एक, और उस पर उससे कुछ वर्क किया जाता है, मतलब कुछ मूर्तियाँ वगैरह बनाया जाता है, वो देख लीजिए आप, ये मूर्ति वगैरह बनाया गया है, इसे भी GI टैग मिला हुआ है, तो मुलेला क्ले वर्क को भी GI टैग मिला हुआ है, ठीक है ना, उससे देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। अभी जान के नेक्स्ट चीज़ आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक मकराना मार्बल है, ठीक है ना, मकराना मार्बल, और इसे भी GI टैग मिला हुआ है, और आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा, जो ताजमहल हमारा है वो मकराना मार्बल से ही मिलकर बना हुआ है, और जो कि कहाँ पे पाया जाता है राजस्थान में, और इसे क्या मिला हुआ है GI टैग, तो आपको ये जानकर काफ़ी अच्छा लगा होगा कि मकराना मार्बल जो है, अगर आपको नहीं पता था तो, अगर पता था तो कोई बात नहीं, रिवाइज हो गया, मकराना मार्बल जो है उसी से आपका पूरा ताजमहल बना हुआ है, ठीक है। चलिए भाई अब जान लेते हैं हम लोग फेस्टिवल एंड फेयर, मतलब कुछ त्यौहार और मेले जान लेते हैं। देखिए पुष्कर में पुष्कर फेयर ये कहाँ लगता है, राजस्थान में लगता है, ठीक है, और नागौर मेला कहाँ पे लगता है, ये भी राजस्थान में, और गंगौर फेयर कहाँ पे, देखिए और दो तो ऐसे ही याद हो गया, ठीक है ना, और मतलब ऐसे दोनों रिदमिक वर्ड है ना, तो नागौर और गंगौर ये दोनों फेयर है कहाँ पे लगता है, राजस्थान में, और एक पुष्कर और एक बनेश्वर, ये दोनों एक साथ याद कर लीजिए, पुष्कर AR और AR, तो पुष्कर एंड बनेश्वर ये दोनों कहाँ पे लगता है, तो आप क्या बोलेंगे, राजस्थान में लगता है, तो पुष्कर बनेश्वर और नागौर और गंगौर ये सब कहाँ है, राजस्थान के प्रमुख फेस्ट है, ठीक है ना, फेस्टिवल है, सॉरी फेयर है।
अब हम लोग देखते हैं राजस्थान के डांस, ठीक है ना, प्रमुख नृत्य हैं राजस्थान के, उनको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पहले आप दीपिका पादुकोण को देख लीजिए और घूंगर वाला आप लोग डांस याद कर लीजिए, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं घूमर, सॉरी घूंगर नहीं था, घूमर वाला जो डांस था ये कहाँ का डांस है, तो राजस्थान का है, देख लीजिए घूमर घूमर करके एक डांस था, गाना भी था, ये सब कहाँ का है, राजस्थान में, आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा चूँकि वो कहाँ का डांस है, तो यह है राजस्थान का। अगला है कलबेलिया। कलबेलिया क्या है, इसमें ये जो लेडीज़ वगैरह, ये लेडीज़ मुख्यतः डांस करती हैं, कुछ जेंट्स वगैरह भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर मतलब इफेक्टिव इसमें क्या होती हैं, लेडीज़ वगैरह होती हैं और वो ब्लैक ड्रेस पहन के डांस करती हैं। तो कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि ब्लैक ड्रेस पहन के डांस किया जाता है कौन से नृत्य में, तो उसमें कलबेलिया आप दिमाग में बैठा रहिएगा, और ये कहाँ का नृत्य है, तो आप क्या बताएंगे, राजस्थान का नृत्य, ठीक है। अच्छा, भावेई, भावेई नृत्य है जिसमें क्या होता है कि महिलाएं अपने सर पर मटका रख के रहती हैं, ठीक है ना, ये देखिए भावेई नृत्य जो है वो कहाँ का है, राजस्थान का है, और इसमें क्या, इसकी क्या विशेषता होती है कि इसमें एक मतलब मटके के ऊपर कई मटके रखे रहती हैं, कौन, महिलाएं, और मटका रख के अपने सर पर डांस करती हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, चांग डांस है, ठीक है ना, चांग डांस है जो कि कहाँ का है, राजस्थान का ही है, और देख लीजिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि कुछ लोग आगे मेल वगैरह ही मेनली इसको करते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर इसमें मेल ही रहते हैं, और देख लीजिए अब इसमें मैं क्या बताऊँ, अपने हिसाब से समझ लीजिए, ठीक है ना। अब कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि जिनका नेशनल इंपॉर्टेंस है राजस्थान में, एक तो चांद बावरी है, ठीक है ना, देख लीजिए बावरी का मतलब क्या होता है, सीढ़ीदार चीज़ें, मतलब सीढ़ीदार बना रहता है, बावरी का मतलब सीढ़ीदार ही होता है, तो ये देख लीजिए कुछ स्पेशल टाइप की सीढ़ी है, इधर से आइए, और तो इसका नाम क्या है, चांद बावरी, ठीक है ना। अच्छा, आगे क्या है, हर्षनाथ टेम्पल काफ़ी मशहूर है, ठीक है ना, राजस्थान में, तो ये देख लीजिए हर्षनाथ टेम्पल है, यहाँ पे पवन चक्की वगैरह भी लगी हुई है, और ये रहा टेम्पल, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए, यहीं से आप दर्शन भी कर लीजिए टेम्पल का, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, भंडासार जैन टेम्पल, भंडासार जैन टेम्पल है जो कि कहाँ पे है, ये भी राजस्थान में ही है, तो इसको भी दिमाग में बैठा लीजिए, ये क्या है, भंडासार जैन टेम्पल है, और इसकी भी इमेज आप देख सकते हैं। आगे की अगर जो बात करें तो त्रिपोलिया गेट, ये काफ़ी ट्राइपोलिया है, तो आई थिंक 1, 2, 3 मतलब गेट बना हुआ है, इसी वजह से इसका नाम शायद त्रिपोलिया होगा, आई एम नॉट कन्फर्म, बस ऐसा ही कुछ होगा। तो त्रिपोलिया गेट है जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है, और ये देख लीजिए, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए इमेज, ठीक है ना। अच्छा, बस गाइस हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मतलब हमने राजस्थान में जितने इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी, और अगर जो आप पूरा वीडियो एक साथ कंटिन्यू देखे होंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको जानने के लिए मिली होंगी, साथ साथ में यूपी और एमपी की भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपसे रिवाइज कराता चला हूं। और ये मैं बात, अगर जो आप इसका पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी एक्चुअल होता क्या है ना कि पीडीएफ जब आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ दे दूँ, लेकिन वहाँ पे क्या रहता, आसानी रहता है पीडीएफ देने में, ठीक है ना, और आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है ना, जितने भी स्टेट का हम लोगों ने किया, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ बड़े आसानी से मिल जाएगी। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी क्या करूँ, लिंक डाल दूँ, ताकि आप वहाँ से क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए उस लिंक के माध्यम से, ठीक है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट मैं करूँगा वीडियो क्लास टेंथ पे, ठीक है ना, क्लास टेंथ की नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, एपी हम लोग कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।